के उन्नाव में बड़ा हादसा हुआ। भीषण सड़क हादसे में करीब 20 लोगों की मौत हो गई और इतने ही जख्मी भी हुए। मरने वालों में ज्यादातर बिहार के यात्री हैं। मौत पर मुआवजे का मरहम तो हर ओर से लग रहा है, पर सवाल यही कि बार बार ऐसा हो क्यों रहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की सुबह की शुरुआत बेहद दर्दनाक तस्वीर के साथ हुई। बस और दूध के कंटेनर में जोरदार टक्कर में 18 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दूध के कंटेनर में तेज रफ्तार बस ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। शिवहर से दिल्ली जा रही थी बस, डबल डेकर बस और टैंकर के बीच जोरदार टक्कर। मरने वालों में ज्यादातर लोग बिहार के। नमस्ते बिहार है स्लीपर बस का नाम। बस का नंबर UP95T4720 है। मरने वालों में ज्यादातर शिवहर और मोतिहारी के लोग बताए जा रहे हैं। शिवहर के 4 जबकि मोतिहारी के 8 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई, जबकि मरने वालों में सीतामढ़ी का भी एक शख्स शामिल है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए, बस 2 हिस्सों में बट गई और टैंकर भी पलट गया। बताया जाता है कि मिल्क टैंकर का ड्राइवर बस से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, स्पीड ज्यादा थी और बस भीषण हादसे की शिकार हो गई। प्रधानमंत्री ने उन्नाव में हुए सड़क हादसे पर दुख जाहिर करते हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्नाव हादसे पर दुख जताया है और बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2,00,000 रुपए अनुग्रह अनुदान का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जैसे हादसे आए दिन होते हैं, पर यदि कुछ नहीं बदलता है तो बस चलाने वालों का लापरवाह रवैया और आंखें बंद किए परिवहन विभाग की नहीं टूटने वाली कुंभकर्णी नींद। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यूज 18 पर बस हादसे को लेकर के जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। हादसे में जान गंवा रहे लोगों की मौत पर खामोश रहने वालों की जगाती हुई ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के उन्नाव में हुआ बस हादसा महज एक दुर्घटना नहीं, ये इतनी बड़ी लापरवाही है जो आए दिन लोगों की जान से खिलवाड़ करने से नहीं चूकती। उन्नाव हादसे को लेकर पुलिस की जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। जिस बस ने 18 जिंदगियां लील ली उसका परमिट और बीमा तक नहीं था। बस हादसे की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा, बस के पेपर में दर्ज पता फर्जी निकला, बस का परमिट और इंश्योरेंस भी नहीं था। खेती किसानी करने वालों के नाम से रजिस्टर्ड थी बस। दिल्ली का चंदन जायसवाल पहाड़गंज से बसों का संचालन करता है। बिहार से दिल्ली तक का सफर करने वाले यात्रियों को नहीं पता कि वे उन बसों पर सवार होकर सफर कर रहे हैं जो परिवहन विभाग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाता है। उन्नाव बस हादसे के बाद न्यूज 18 की टीम बिहार के अलग अलग जिलों में बसों की सेफ्टी का रियलिटी चेक कर रही है। ज्यादातर बसों में देखा जा रहा है कि यात्रियों की सेफ्टी का ख्याल तक नहीं रखा जा रहा। भेड़ बकरियों की तरह यात्रियों की जान जोखिम में डालकर बसों से बिहार लाया या फिर बिहार से दिल्ली ले जाया जा रहा है। गोपालगंज की इस बस की हालत देख लीजिए। गोपालगंज से भी सैकड़ों गाड़ियां दिल्ली जाती है, लेकिन इन गाड़ियों की ना तो कोई परमिट होती है और ना ही फिटनेस इसकी जांच होती है। देखिए, ट्रेवल पॉइंट की ये बस है और ये भी दिल्ली से यहाँ गोपालगंज पहुँच रही है। ऐसे जान जोखिम में डालकर सफर करेंगे तो मौत से सामना भी हो सकता है। एक नजर वैसे बड़े हादसों पर जो पिछले 3 साल में दिल्ली टू बिहार वाले रूट पर हुई। 20 अगस्त 2020 दिल्ली से मधुबनी जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में 30 यात्री घायल हो गए।
19 जुलाई 2020 मधुबनी से दिल्ली आ रही बस कन्नौज के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 5 की मौत हुई, 25 लोग घायल हो गए। 7 नवंबर 2021 यमुना एक्सप्रेसवे पर लुधियाना से बिहार जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में 60 यात्री घायल हो गए। जबकि 28 अप्रैल 2024 को बिहार से दिल्ली जा रही वॉल्वो बस आगरा एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाग्रस्त हुई। 2 यात्री की मौत हो गई, जबकि 27 यात्री घायल हो गए। उन्नाव जैसे हादसे के बाद भी लापरवाही चरम पर है। अब तक बिहार से दिल्ली आने वाली बसों के हादसे में एक बात कॉमन ये है कि बस बिना परमिट के चलती है। बस के मॉडल में छेड़छाड़ किया जाता है। हादसा होने के कुछ दिन बाद बसें गायब हो जाती हैं। इसे दोबारा से रिपेयर कर चलाया जाता है। बिहार, यूपी और दिल्ली तक इन सब का नेटवर्क फैला हुआ है। 2020 में भी न्यूज 18 ने पटना सहित कई जिलों में पड़ताल की थी। तब बिहार सरकार की ओर से कहा गया था कि आगे से ऐसी घटना ना हो ये तय किया जाएगा, पर लापरवाही का आलम बदस्तूर जारी है। ऐसे में सवाल ये कि टूरिस्ट परमिट पर क्यों हो रहा बसों का परिचालन? टूरिस्ट परमिट के नाम पर कैसे चलाई जा रही स्लीपर बसें? खुलेआम नियमों को ठेंगा क्या कर रहा परिवहन विभाग? क्या परिवहन विभाग के अधिकारी देंगे जवाब? लगातार हादसे में मौत के लिए जिम्मेदार कौन? न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। शिक्षा विभाग की नई कमेटी की बैठक आज है। सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कमेटी बनी है। बैठक में 4 सदस्य की टीम भाग लेगी। सुबह 11 बजे से यह बैठक शुरू होगी। 15 दिनों में कमेटी को रिपोर्ट देनी है। ACSS सिद्धार्थ के निर्देशन पर यह कमेटी बनाई गई है। सक्षमता पर शिक्षक ट्रांसफर के इंतजार में है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कमेटी बनी। बैठक में 4 सदस्यीय टीम भाग लेगी। सुबह 11 बजे बैठक होगी। 15 दिनों में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा विभाग की नई कमेटी की बैठक आज है। सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो कमेटी बनी है, बैठक में 4 सदस्यों की टीम इसमें भाग लेगी। सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होगी। रजनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश, 11 बजे महत्वपूर्ण बैठक। अब बिल्कुल देखिए, 4 सदस्यीय टीम गठित की गई है दक्षता परीक्षा को लेकर। जो पास हुए हैं शिक्षक उसके साथ साथ स्थानांतरण है, अनुकंपा नियुक्ति है, इसके साथ साथ जो बिहार शिक्षा कैडर का पुनर्गठन है इसको लेकर। तो ये जो टीम है ये आज 11 बजे के बाद बैठक में भाग लेगी। और कहा जा रहा है कि सचिव वैद्यनाथ यादव जो माध्यमिक शिक्षा के सचिव भी हैं वो बैठक में भाग लेंगे और इसके साथ साथ कई निर्णय भी लिया जा सकता है। 15 दिनों के भीतर ये कमेटी को रिपोर्ट देनी है और ये कमेटी आज से काम करना शुरू कर देगी। और शिक्षक भी लगातार इंतजार में है क्योंकि सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जो काउंसलिंग है या जो पोस्टिंग है उसकी प्रक्रिया अभी तक लंबित है। तो कुल मिलाकर ये कमेटी आज किस रूप में काम करती है और बैठक में क्या फैसला होता है इस पर इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल रजनीश, और जो शिक्षक थे वो लगातार इसकी मांग भी कर रहे थे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।